मस्त वाला मौसम हो रहा है यार, मस्त वाला, बिल्कुल मस्त वाला, सुपर। ओए बारिश की बूंदें छोटी छोटी आने लग गई हैं। ये दुआ जी रिंग लाइट ठीक करते हुए और मन्नी काम करते हुए और भाई साहब जी चाय पीते हुए। भाई क्या मौसम, और भाई मौसम, ओए आज तो क्या थंडर स्टॉर्म, माय गॉड मस्त वाला मौसम हो रहा है यार, मस्त वाला, बिल्कुल मस्त वाला, सुपर। ओए बारिश की बूंदें छोटी छोटी आने लग गई हैं मुंह पे, और आंधी तूफान चल रहा है मस्त वाला। ओ भाई वाओ मौसम यार। ओए तो अभी इस मौसम को देखते हुए ना अनमोल भाई साहब कुछ कह रहे थे, क्या कह रहा था? कह रहे थे बारिश शुरू हो चुकी है, आंधी भी आ रही है यार, और दो बजे चाय लेकर के बाहर, चाय लेकर के बाहर का मौसम उठाते हुए। मन्नी भैया स्कूटी का है, मन्नी डेट पे जा रहा है, स्कूटी का है, डेट पे जा रहा है, डेट पे गाड़ी लाया, गाड़ी कहाँ है, ढोलक हुआ डेट पे जा रहा है, ये जा रहा है ना, मैं क्या जा रहा हूँ, मैं कहाँ से जाऊँगा भाई, अरे उम्र तेरी है, भेज उसको राय दो, अरे सारी बात छोड़ो, चल रही गेड़ी मारने, चलो चल, चलो एक दुकान पे काम है, चल काम वामने से नहीं जा रही, मैं गिड़ी मारने चलूंगी, अरे काम भी तो है, काम भी तो है मेरे को, हाँ तो चल लेंगे चाय वाय पी, चलते हैं कनेक्टर लेना है, ठीक है माइक का, चाय वाय पियो फिर चलते हैं, मौसम का मजा उठाते हैं और अनमोल को किसी गर्लफ्रेंड के पास फेंकते हैं, तो किसी गर्लफ्रेंड के पास, हाँ किसी, ऑब्वियसली एक दो थोड़ी ना है यार, उसकी पर्ची डाल ले ना पर्ची डाल ले यार, यार पर्ची डाल ले, मैं नाम बोलना शुरू करूं, अरे बारिश में ये गाइस हम आ गए हैं बारिश में, ओ भाई साहब ये क्या है, बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है यार, चलो 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 लेफ्ट 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 लेफ्ट, ऊपर अपने सनरूफ का यही फायदा होता है, एसी करो बंद, जो बारिश के मजे सनरूफ में ले सकते हैं ना, अमेजिंग वाला, ओ बारिश बारिश आ रही है, तो ये चलाना पड़ेगा, सामने देख सामने, ये हाई पे चलाना पड़ रहा है, हाँ बिल्कुल काफी तेज बारिश आ रही है, स्लो कर दिया, लेफ्ट काटो, यस बढ़िया 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 बढ़िया, क्या गाड़ी से गाड़ी है और क्या, लेफ्ट काटो, बढ़िया बढ़िया चलते रहो, यस यार धीरे धीरे, ओ भाई साहब क्या मजे, ये दिल्ली है, हां ये दिल्ली है, हां आपको भाई गर्मा गर्म चाय और पकोड़े खिला दे, समोसे ब्रेड पकोड़ा, चाय ब्रेड पकोड़ा, हाय हाय चाय समोसा भाई, और वो जो मिक्स वाले पकोड़े आते हैं वो भी, एग्जैक्टली, तो भाई मैं किसी काम से बाहर निकला हूं, ओले आ रहे हैं, हाँ ओले भी पड़ रहे हैं, शीशा तो ठंडा हो गया, अरे नहीं ओले भी अभी मैंने देखी है, इस पे गिरे, हाँ शादी के बाद भी अभी गाना गा सकते भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ला 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 ला, मैं ये कह रहा हूँ मैं निकला हूँ किसी काम से, yes. तो वो काम एक्चुअली क्या है, वो ये है कि रोड का माइक लिया हमने, दुबई से लेके आए थे हम, रोड से बोलना, दुबई से बारिश की जो आवाज है ना इतनी ज्यादा है, ये मैं दुबई से लेके आया था रोड का माइक डबल वाला, और ये इंडिया के अंदर 30,000 रुपए का है और हम लेके आए थे वहाँ से 16,000 रुपए में, अब बस हमारे को इसका कनेक्टर चाहिए कि ये फोन से कनेक्ट हो जाए, आईफोन से, और उसके बाद जब हम स्ट्रीट फूड वीडियोस बनाएंगे तो जो आवाज़ है मेरी आवाज़ या दुकानदार की आवाज़ वो एकदम क्लियर आएगी बिना किसी डिस्टर्बेंस के, ये तो इसलिए मैं जा रहा हूँ लाजपत नगर में एक ऐसी शॉप पे जहाँ पे दुनिया भर के यूट्यूबर्स आते हैं सामान लेने, सामान लेने के लिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है शायद जो वहाँ पर ना मिले, पानी से कैसे कर रहा हूँ फूल के ऊपर से, ठीक है भाई, वाइपर थोड़ा तेज चला दो, और भाई वाइपर थोड़ा तेज चला दो,
भाई मस्त वाली बारिश अभी भी आ रही है और हम आ गए हैं सेंटर मार्केट। मैं बताता हूँ कि इफ यू आर लाइक प्लानिंग टू स्टार्ट अ व्लॉगिंग और आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको सेटअप लेना है कहाँ से लेना है क्या है, देन ये शॉप है फ्यूचर फॉरवर्ड। ये लाजपत नगर 2 में पड़ती है सेंटर मार्केट, बाहर मेन रोड पे है ये। फ्यूचर फॉरवर्ड पे आप कॉल करके पूछ सकते हो अगर आपको कुछ भी चाहिए, माइक से लेके ट्राईपॉड, बड़े बड़े लेंसेस से लेके और आपको क्या कहते हैं कैमरा भी, हर एक चीज आपको यहाँ मिलेगी। भाई ये भाई हमारी दुकान बढ़िया सी भैया, ये रोड का माइक है, किसको अटैच करवाना है इससे, कैसे होगा? एडेप्टर लेना पड़ेगा। है फोन का एडेप्टर तो फोन के शॉप पे मिलेगा, जानी मिलेगा इसका क्या है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, एक SC7 केबल लेना पड़ेगा, तीनों पे SC7 केबल है, वो SC7 लिखा होगा, रोड का केबल लिखा होगा रोड का। उसके बाद में लाइटनिंग एडेप्टर आता है टाइप सी वाला, वो आईफोन के शॉप पे मिलेगा। हाँ अच्छा, आईफोन वाला तो मेरे पास है घर पे, पर वो तो यूएसबी वाला लाइटनिंग वाला, उसको दिखा देना, ये मेरे को लाइटनिंग वाला इसके लिए केबल चाहिए, पता है ना, वो दे देगा लाइटनिंग केबल होता है। अच्छा, वो इस पर तब जाके चलो, उसके पहले SC7 केबल लेके लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको लाइटनिंग वाला केबल लेना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ से चल रहे हैं अब हम एप्पल स्टोर पे, और एप्पल स्टोर से एक लाइटनिंग कनेक्टर लेना है जो आईफोन पे लगेगा और उसके बाद उसमें फिर वो माइक का जैक लगेगा। तो ये जीके में भरा पानी। तो गाइस ब्रेकिंग न्यूज, ध्यान से भाई सब चल लो, एक मिनट आराम से, बंदे को जान दे, जीके में भरा पानी राइट से लेके जाते हैं। देख पहिया, देख उसका बाइक का पहिया, देख। बट एज आई सेड इसका ग्राउंड लेवल बहुत ऊंचा था, हमारे को कोई टेंशन नहीं है, जीके में भरा पानी। तो ये है बारिश के इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स। इफेक्ट्स तो भाई ये थे कि भाई मौसम जो है सुहाना हो गया, सही बात है। और साइड इफेक्ट ये हुए कि कई जगह पे पेड़ गिर गए, तो कई जगह पे ट्रैफिक जाम लग गया, तो कई जगह पे वाटर लॉगिंग एंड ऑल सब शुरू हो गया। बिल्कुल, तो हम इसी रोड पे पेड़ गिरा हुआ है, अभी दिखाता हूं, वो भी दिखाते हैं आपको। अभी रास्ते में भी हम देख करके आए, कुछ टेढ़े आड़े टेढ़े पेड़ रोड रखे थे। नहीं अब एक्चुअली क्या था, आंधी बहुत तेज आई थी, तो उस आंधी तेज की वजह से ये सब हुआ। वो देखो सामने पेड़ गिर गया है और पेड़ साइड कर दिया ताकि गाड़ियां निकल सके। पेड़ नहीं गिरा एक्चुअली, पेड़ की पूरी टहनी टूट गई है मोटी वाली, देख रही है। ये पहले पूरा ऑन द रोड आया हुआ था, एग्जैक्टली अभी इन्होंने थोड़ा साइड कर दिया कि एटलीस्ट एक एक गाड़ी जाने का रास्ता निकल जाए। चलो कोई नहीं। आप कुछ कह रहे थे तू गाड़ी में? मैंने कुछ नहीं बोला था, अपने आप से फालतू सोचना होता तो सोच लो। पापा चाय पी रहे हैं, पापा से पूछता ला चाय की बनी है वो मलाई है, उसे ठंडी करके पी दो ना, ता करके मलाई जम जाती है ना। बाहर कितना बढ़िया मौसम है, आज बारिश आई है, इतनी तेज बारिश, चाय गर्म है भाई, इतनी तेज बारिश, आंधी तूफान सब बारिश। गाइस हमारे घर कोई आया है, लेट मी शो यू कौन आया है। पिताजी से मिलने पापा, आपका पड़ोसी आया है। मुखर्जी नगर आया है, याद है उनको, याद है। और लिफाफा कह रहे थे तुझे, हाँ ये ऐसी चीज से भरी आती, ये ऐसी आती भरी हुई पूरी, हाँ पूरी चीज से भरी आती। बट दिस इज रियली अमेजिंग। इसके अंदर पता क्या है, कीमा मैक्रोनी एंड चीज, द बेस्ट इन सोडा बॉटल ओपनर वाला। और ये आ गया जी कीमा पाव हमारा, ये है जी यहाँ की जान, मटन बेरी पुलाव, ईरानी चाय। और ये है जी एक और बढ़िया चीज़, मटन बैदा रोटी, ये इसके अंदर मटन का कीमा स्टफ्ड है और फ्राइड पराठा होता है पूरा, बट बहुत मज़ेदार होता है। और साथ में मैडम का वड़ा पाव, क्या बात है। अभी सब आ गया ना, सर सामान आ गया ना,
तो अब करते हैं भाई इंजॉय बढ़िया से और मिलेंगे आपको। क्या ये वो वड़ा पाव जो आप मुंबई से नहीं लाए थे मेरे लिए? थैंक यू जो भी है, बट भाई ये तो भाई मतलब प्यार है यहाँ पे, और ये दो एक्स्ट्रा पाव आ गए हमारे, परफेक्ट। तो मिलते हैं आपको आफ्टर डिनर। तो गाइज फाइनली अब हम वापस जा रहे हैं, और यस अभी हमारे दो बच्चे ही ये पीछे बैठे हुए हैं इन लोगों को हम घर छोड़ेंगे और इसके बाद चलो पहले पहले ये बता, बट खाना अच्छा था कि तुझे क्या अच्छा लगा? मुझे टोमेटो सूप बहुत अच्छा लगा, वेज वाला। और एंड व्हाट अबाउट वड़ा पाव? वड़ा पाव अच्छा था, लेकिन उसका जो बन था ना वो थोड़ा मतलब हैवी सा लगा मुझे। अच्छा हैवी लगा, ओके। एंड मुझे जो सबसे अच्छा लगा ना वो मुझे लगा इसका कीमा पाव। कीमा पाव वाज ग्रेट। एंड बेरी पुलाव मेरे को ज्यादा अच्छा लगा आज, क्योंकि मुझे ज्यादा मीठा लगा वो। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगा। बच्चों को मैक्रोनी अच्छी लगी, वो एक्चुअली मैक्रोनी क्या थी वो ना, उसके अंदर ना कीमा मैक्रोनी थी, वो कीमा मैक्रोनी एंड चीज, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, लोगों बच्चों को अच्छा लगा। और मेरा भी फेवरेट है एक्चुअली यहाँ पे, और साथ में इसकी ईरानी चाय वाज अमेजिंग, सुपर गुड। लेट्स गो होम नाउ। यस अब चलते हैं घर वापस, और अभी तो रास्ते में हम का टाइम लगेगा घर पहुंचने में, निजामुद्दीन पहुंचा के। यप चलो रात के बज रहे 11, लेट्स गो, अभी लगे कल सुबह। तो ठीक है व्लॉग रैप अप करें फिर। यस आज का व्लॉग यही रैप अप करते हैं, और मिलते हैं आपको सुबह ब्रेकफास्ट में, कल के व्लॉग में, क्योंकि अ डे आफ्टर टुमारो आई हैव अ फ्लाइट फॉर गोवा। या ही इज गोइंग इन टू बॉयज ट्रिप विदाउट मी, आई एम नॉट गोइंग गोवा, ये आश मारने जा रहे हैं। बाय बाय बाय।